दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज 1 लीटर में कितना माइलेज देता है? अगर नहीं पता तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हवाई जहाज 1 लीटर में कितना माइलेज देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग इंडिया पर। जब भी हम कोई बाइक, कार या अन्य किसी गाड़ी को खरीदते हैं तो इस बात की जानकारी जरूर लेते हैं कि यह गाड़ी कितना माइलेज देती है। माइलेज का मतलब यह होता है कि गाड़ी 1 लीटर तेल में कितने किलोमीटर चलती है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गाड़ी का माइलेज कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि गाड़ी का वजन कितना है, उसका वजन कितने सीसी का है, उस गाड़ी पर लोड कितना है। कार या बाइक का माइलेज तो अधिकतर लोगों को पता होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज 1 लीटर तेल में कितना माइलेज देता है? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए। भारत में हवाई जहाज में सफर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हवाई जहाज से विदेश जाना हो या देश के भीतर ही अन्य जगहों पर जाना हो, संपन्न लोग हवाई जहाज का ही सफर करने को प्राथमिकता देते हैं। इसका फायदा यह है कि समय की बचत होती है। हवाई जहाज का वजन कई हजार किलो होता है, उसमें बैठने वाले यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा होती है। ज्यादा वजन को खींचने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है और ज्यादा ताकत उसे ज्यादा ईंधन से ही मिल सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जहाज जितना बड़ा होगा, ईंधन की खपत उतनी ही ज्यादा होगी। अगर बात की जाए बोइंग 747 विमान की, तो ये जहाज 1 सेकेंड में 4 लीटर ईंधन खाता है। इस हिसाब से 1 मिनट के सफर में 240 लीटर ईंधन खर्च होता है। बोइंग की वेबसाइट के अनुसार 747 हवाई जहाज 12 लीटर प्रति किलोमीटर के औसत से ईंधन की खपत होती है। इस हिसाब से यह विमान 1 लीटर तेल में 800 मीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल ट्रेंडिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।